गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से IAS या PCS में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ MCQ के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 7वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो जानकारियां दी गई हैं, आपको इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के भारतीय संविधान और विशेष रूप से संसद से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें पहले कथन का, तो कहता है राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है जब वह उचित समझे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में इस बात का प्रावधान लिखा गया है कि राष्ट्रपति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर हर 6 महीने में कम से कम एक बार संविधान के अंतर्गत संसद के सत्र को आयोजित करवाने का अधिकार है। यानी कि पहला कथन जो है वह बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा कथन कहता है स्पीकर संसद के सत्रों को बुलाने और शुरू करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये गलत है क्योंकि 85(1) के अंतर्गत ही इस बात को लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जो कि निचले सदन के प्रधान होते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है उनके सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति सत्र का आयोजन करते हैं। यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाता है, सही पूछा गया है, इसलिए पहला कथन इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों आया है, अभी मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मिलने के लिए गए हुए थे, इसीलिए ये न्यूज़ में था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि SAARC, इसे हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, का सदस्य नहीं है। यहाँ पर 4 देशों के नाम आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि दक्षेस या फिर SAARC का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध द्विपक्षीय या फिर क्षेत्रीय समूह से जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम बात करें दक्षेस यानी SAARC का, तो ये एक ऐसा संगठन है जो एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समूह के रूप में काफ़ी शक्तिशाली के रूप में उभरा, हालांकि ये अभी दबा हुआ है। ये 1985 में सबसे पहले ढाका में संगठित किया जाता है, 1987 में इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थापित की जाती है। जब इसे 1985 में स्थापित किया गया था उस समय इसके कुल सदस्य 7 थे, 8वें सदस्य के रूप में 2007 में अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा क्योंकि म्यांमार दक्षेस या फिर SAARC का सदस्य नहीं है, तो आप याद रखेंगे। जो इसके सदस्य हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका हैं। इसका मुख्यालय जैसे मैंने आपको बताया नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, 1987 में इसे स्थापित किया गया था, 1985 में ढाका बांग्लादेश में एक बैठक के दौरान इसका एक संगठित रूप दिया गया था। यह मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज़ में क्यों आया है, तो फ्रेंड्स, महामारी के दौर में लगातार इस संगठन को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार इसे फिर से जीवित करने के बारे में चर्चा की है। जब COVID-19 का प्रकोप शुरू हुआ था उसी समय प्रधानमंत्री ने इस संगठन को जीवित करने के लिए SAARC के सभी सदस्यों के साथ, सभी सदस्यों के नेता के साथ वार्ता करने की कोशिश की थी। अब इस बात को जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो लगातार इस संगठन को अपने विरोध के लिए यूज करता आया है, उसे इस संगठन से बाहर निकालकर
क्यों ना इस संगठन को एक नया रूप दिया जाए। इस क्षेत्र पर कार्य किया जा रहा है, जैसे ही इससे संबंधित अपडेट आती है निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत स्थापित है। यहाँ पर चार ऐसे कानूनों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि समुद्र पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से संस्थानों का निर्माण या फिर कौन कौन से कानूनों का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले कानून या फिर करार से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें दिए गए ऑप्शनों में तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, निश्चित रूप से ये समुद्र के क्षेत्र में कानून व्यवस्था निर्मित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाए गए कानून के एक प्रावधान के रूप में निर्मित किया गया था, यानी कि पहला सही है। सागर के कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ये भी है, ये कानून को जो भी समुद्र के संबंधित कानून है उस मामले को सही साबित करने और उसे लागू करवाने के क्षेत्र में कार्य करता है। महाद्वीपीय सेल्फ की सीमा आयोग, ये भी इसी के अंतर्गत निर्मित की गई थी, यानी कि आप याद रखेंगे कि ये तीनों जो संस्थाएं हैं वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत समुद्र के क्षेत्र में कानून व्यवस्था निर्मित करने बनाए रखने के लिए निर्मित किया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये समुद्री कानून के क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए निर्मित नहीं किया गया था, ये एक अंतर सरकारी निकाय है जो नीदरलैंड हेग में है। विश्व के बहुत सारे देशों ने इसे एक मध्यस्थता कानून को लागू करने के लिए गठित किया था, मतलब यदि कोई देश विवाद हो जाता है उन दोनों के बीच तो उन दोनों को मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों को न्याय दिलाने या फिर जिसने गलती की है उसकी गलती को बताकर उस मामले के निपटान करने के लिए यह संगठन कार्य करता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को बहुत सारे मामलों को आवंटित किया जाता है, दिया जाता है। और अभी हम लोगों ने कल ही अपने डिस्कशन में देखा था एनरिका मामला, जो कि इटली और भारत के बीच उभरा, केरल के क्षेत्र में केरल के कुछ मछुआरों को इटली के तेल ले जा रहे एक वाहन या फिर एक पानी जहाज के द्वारा मार दिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये एक विवाद बनकर उभरा था, साल 2012 का ये मामला था। 2019 में इसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाया जाता है। अंततः अभी हाल फिलहाल में इससे संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई और फैसला आया है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें ये न्यूज में क्यों आया था, तो मैंने आपको बताया कि ये अभी अभी इससे संबंधित मामलों पर कुछ सुनवाई हुई है, इसलिए ये न्यूज में था। हालांकि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो यूनाइटेड नेशन का कोई सदस्य या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज के अनुसार, यहां पर तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है कि इनके अनुसार कौन सा गलत है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के भारतीय हितों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर करार से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें इस कानून के अंतर्गत प्रादेशिक जल का, तो ये बताता है कि 12 नोटिकल या फिर समुद्री मील तक होता है, ये बिल्कुल सही है। जो अनक्लोज के अंतर्गत कानून का प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत किसी देश की जो तटवर्ती सीमा है वहां से लेकर 12 नोटिकल मील तक का जो एरिया होता है उसे प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है, यानी कि टेरिस्ट्रियल एरिया के रूप में माना जाता है, टेरिस्ट्रियल जोन के रूप में माना जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, तट से 200 नोटिकल मील तक कंटीजेंट जोन या फिर कंटिग्यूअस जोन माना जाता है, ऐसा दूसरा कथन बता रहा है। ये गलत है क्योंकि 200 नोटिकल मील तक का जो एरिया है उसे
विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, तो फिर कंटीजेंट जोन या फिर कंटिग्युअस जोन किसे माना जाता है? जो किसी देश का तटवर्ती इलाका होता है वहां से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है उसे कंटिग्युअस जोन माना जाता है, यानी कि 24 मील तक का जो एरिया होगा उसे कंटिग्युअस जोन कहेंगे। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत। तीसरा कथन क्या कह रहा था? विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सीमा शुल्क, कराधान, आवर्जन और प्रदूषण। तटीय राष्ट्र चार क्षेत्रों में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जी नहीं, गलत है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है वहां पर संसाधनों के दोहन को रोकने, संसाधनों के दोहन को संबंधित देश द्वारा किए जाने साथ ही प्रदूषण के मामलों को निपटान करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो क्षेत्र होते हैं जहां पर सीमा शुल्क, कराधान, आवर्जन और प्रदूषण से संबंधित कानूनों को संबंधित देश के द्वारा लागू किया जाता है, वो क्षेत्र जो होता है वो कॉन्टिग्युअस जोन होता है, जो कि 24 नॉटिकल मील तक का होता है। आपको यहां पर क्या पूछा गया था? गलत। यानी कि कौन सा गलत है? दूसरा और तीसरा, क्योंकि पहला सही है, ऑप्शन बी सही होगा। आप इसे चित्र के माध्यम से देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अनक्लोज का। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जानिए इनलैंड क्या होता है। इनलैंड कहने का मतलब होता है जो समुद्री तट का इलाका होता है वहां से लेकर, जब समुद्र का जल सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र तक, जहां तक पहुंचता है, सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र तक पहुंचता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इनलैंड। ठीक, जहां तक समुद्र का पानी मिनिमम आता है यानी कि इससे कम कभी नहीं होता है उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है। ठीक, यहीं से समुद्र की दूरी को मापा जाता है। सबसे पहले जो टेरिस्ट्रियल वाटर होता है यानी कि प्रादेशिक जल होता है वो 12 नॉटिकल मील तक होता है, इसे आप याद रखेंगे। 24 नॉटिकल मील जो क्षेत्र होता है वो कॉन्टिग्युअस जोन का क्षेत्र माना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र माना जाता है, और साथ ही जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का इलाका माना जाता है, महाद्वीपीय सेल्फ का इलाका माना जाता है, वो 350 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। अब जो अधिकार दिए गए हैं इन क्षेत्रों पे उसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो कॉन्टिग्युअस क्षेत्र होता है वो 24 नॉटिकल मील तक होता है, हमने उसे देख लिया। यहां पर जो संबंधित राष्ट्र होती है उनको चार प्रकार के अधिकारों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। उनमें सीमा शुल्क को लागू करना, कराधान लागू करना, आवर्जन और प्रदूषण से संबंधित मामलों पर कानून बनाना, ये उस देश का अधिकार है, अनन्य अधिकार है। अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, तो फ्रेंड्स ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर जो संबंधित देश के साथ सीमा लगती है उनको वहां स्थित समुद्री संसाधनों के उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। इस क्षेत्र से कोई भी अंतरराष्ट्रीय जहाज, कोई भी अंतरराष्ट्रीय पानी की जहाज आ जा सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किसी भी देश के द्वारा नहीं लगाया जा सकता, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है, ये विशेष आर्थिक जोन है। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां गलत लिखा हुआ है। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है उसे आप ध्यान रखेंगे, उस क्षेत्र में जो देश होता है उनको मछली पकड़ने, खनन करने, तेल निकालने, संसाधनों का उपयोग करने इत्यादि का अधिकार दिया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का इलाका होता है उसकी सीमा 350 नॉटिकल माइल तक का होती है, वहां वो देश प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। अगर कोई देश वहां से होकर कोई केबल या फिर पाइपलाइन बिछाना चाहता है तो उसे वो नहीं रोक सकता, यानी कि जिस देश का कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला इलाका है वो देश किसी दूसरे देश को केबल या फिर पाइपलाइन लगाने से नहीं रोक सकता, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में दो प्रजातियों, स्ट्राइप्स हेयर स्ट्रेक और
एल्यूसिव प्रिंस की खोज की गई। ये प्रजातियां हैं, ये किस चीज की प्रजातियां हैं जिसे हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में ढूंढा गया था। आपके ऑप्शन में सांप, प्रवासी पक्षी, तितली और मेंढक है। आप याद रखेंगे यूपीएससी ने 4-5 बार 2014, 2015, 2016, 2017 लगातार ऐसे नए शब्दों को लेकर आती है जो जैव विविधता से जुड़े हुए होते हैं, वो पूछती है कि ये क्या है। तो आप याद रखेंगे स्ट्राइप्स, हेयर स्ट्रेक और एल्यूसिव प्रिंस, ये तितलियों की प्रजाति है। ये काफ़ी रेयर है, ये सामान्यतः भारत में नहीं पाई जाती है। आपको इसके बारे में इतिहास, भूगोल कुछ भी जानना नहीं है, सिर्फ यही जानना है कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। आप ये देख सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल द हिंदू के अंतर्गत आया था जिसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।